हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है T.A.G टेली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टेली अकाउंट और GST से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। इस संबंध में कुछ वीडियो पहले से अपलोड है मेरे चैनल पर, उनको देखने के लिए T.A.G के साथ ही साथ टेली अकाउंट GST को इंग्लिश में टाइप करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ईगल टाइप लोगो आएगा मेरे चैनल का, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं वीडियो ऑप्शन में जाकर, और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, टेली में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं, अकाउंट और GST से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का विषय कि आज हम टेली में क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज हम टेली में ये जानेंगे कि GST में जो रेगुलर होलसेलर है उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे टेली के अंतर्गत। इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने ये बताया था कि टेली में GST रेगुलर रिटेलर है उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि GST में रेगुलर होलसेलर की अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। आइए आज हम पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। अंत तक वीडियो देखें और फुल जानकारी आज हम आपको देंगे कि किस तरह से GST में रेगुलर होलसेलर है उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे टेली के अंतर्गत, और उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी वो भी हम आपको बताते जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, अरिहंत ट्रेडर्स के नाम से हमारी एक कंपनी है, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, और इनके यहाँ होलसेल का काम होता है यानी थोक का व्यापार होता है। ये परचूनी के आइटम्स हैं, उनका व्यापार करते हैं अरिहंत ट्रेडर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने विषय को। सबसे पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे, और हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको लेजर्स दिखाएंगे, जो जो लेजर्स आपको लगेंगे और उनको किस तरह से क्रिएट करना है। इसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू हमारे सामने, यहाँ से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फिर हम जाएंगे लेजर में, और आप यदि क्रिएट करेंगे तो आप क्रिएट में जाएंगे। हमने पहले से बना कर रखे, हम आपको दिखा रहे हैं अल्ट्रेशन मोड में, तो हम यहाँ पर जाएंगे अल्टर में। यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स हमारे सामने है, यहाँ पर जो मुख्यतः लेजर लगेंगे वो सारे लेजर्स हमने आपको यहाँ पर बना के रखे हैं। हम आपको शॉर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लेजर्स आपको बनाने। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज लेजर की। तो नेम में आप परचेज डाल देंगे और यहाँ पर अंडर रखेंगे इसको परचेज अकाउंट ग्रुप के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखना है, और यहाँ पर है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। तो इसको दोस्तों क्या करना है, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब भी माल हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय क्या होगा, फ्रेट चार्ज लगेगा, यानी भाड़ा जो लगता है वो लगेगा। अदर चार्जेस हैं जैसे पैकिंग है, और उसके अलावा और भी कोई चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस अदर चार्जेस के अंतर्गत हम बनाएंगे लेजर्स, तब आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, जब हम परचेज करेंगे, परचेज करते समय जो भी हमारे पास अदर चार्जेस लगेंगे या फ्रेट चार्ज लगेगा, तो वो चार्ज जो भी लगेगा वो क्या होगा, यदि हम इसको यहाँ पर अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी कर देते हैं तो उससे ये होगा कि जो भी फ्रेट चार्ज लगेगा या अदर चार्ज लगेगा वो हमारी जो प्रोडक्ट की कीमत है उसमें ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं होगा, और जो भी हम खर्चा करेंगे फ्रेट चार्ज पर, हमारा जो भी खर्चा आएगा और अदर चार्जेस पर जो भी खर्चा आएगा वो प्रोडक्ट की कीमत में सेट हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी मुनाफा हमें ऐड करना है मुनाफा ऐड करके हम उसको बेच सकते हैं। यदि हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तो क्या होगा, जो भी फ्रेट चार्ज होगा या अदर चार्जेस होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और हमारे क्या प्रोडक्ट की कीमत में वो ऐड नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की कीमत में ऐड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट बाई क्वान्टिटी को यहाँ पर सेट कर देते हैं, और फिर हम आएंगे GST एप्लीकेबल, यहाँ पर इसको एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पर नहीं करना है, जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे वहाँ पर हम सेट अल्टर GST डिटेल से वहाँ पर देंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम गुड्स रख रहे हैं, यदि आपका सर्विस का कार्य है तो आप सर्विस कर सकते हैं, और इस तरह से हम परचेज लेजर को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सेल्स लेजर कैसे करना है। साधारण तरीके से सेल्स लेजर करना है आपको क्रिएट, नेम में सेल्स डाल देंगे, अंडर रखेंगे सेल्स अकाउंट के, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है, GST एप्लीकेबल एप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर GST को नो करना है, और टाइप ऑफ सप्लाई में हमने यहाँ पर गुड करके रखा है। इस तरह से हम सेल्स के लेजर्स बनाएंगे। अब हम चलते हैं कि टैक्स लेजर कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम आपको CGST एक लेजर्स दिखा देते हैं। नेम में हम CGST हमने यहाँ पर डाला है, और इसके अलावा SGST IGST के लेजर्स आप बनाएंगे तो नेम में CGST है यहाँ पर, तो आप जब IGST बनाएंगे तो IGST डाल देंगे, और SGST का बनाएंगे तो यहाँ पर SGST डाल देंगे। और तीनों ही लेजर्स को जब बनाएंगे आप तो उसको अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर ही रखना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यहां पर भी तीनों ही लेजर्स में GST आएगा।
एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर है टैक्स टाइप, तो सी जी एस टी या सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आएगा। जब आप एस जी एस टी बनाएंगे तो उसको यहाँ पर स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर देंगे, और आई जी एस टी बनाएंगे तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर देंगे, और इस तरह से तीनों टैक्स लेजर हम बना लेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है हमें, और इस तरह से हम सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी के लेजर्स बना लेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, यानी जिससे हम माल खरीदेंगे उस पार्टी का लेजर्स हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम गंगा ट्रेडर्स के नाम से एक हमारा यहाँ पर लेजर है जो हमने क्रिएट करके रखा है। तो आपकी जितनी भी सन्ड्री क्रेडिट पार्टी होंगी उनके लेजर्स इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, नेम में जो भी पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी, जिससे कि हम माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, उसके नाम से हम यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे और अंडर रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। मेंटेन बैलेंस विल बाय बिल को आपको यस करके रखना है, जिससे कि विल वाइज मेंटेन होता रहेगा। और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे गंगा ट्रेडर्स का, जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर स्टेट आपको जरूर सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे जब आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, हमारी सन्ड्री एंट्रीज जो है वो मिसमैच में चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी होगी वो जिस स्टेट में होगी उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आ जाना है सेट अल्टर जी एस टी डिटेल, इसको हमने यस किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको समझनी है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का हम लेजर्स बना रहे जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने रेगुलर सेट किया है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, रेगुलर रजिस्टर्ड होलसेलर है। तो रेगुलर रजिस्टर्ड होलसेलर है वो जिससे भी माल खरीदेगा, तो उसके लिए सबसे सूटेबल यही रहेगा कि वो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल खरीदे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंपोजिशन है। यदि हम यहाँ पर कंपोजिशन में स्कीम जिन्होंने व्यवसायियों ने ले रखी है, यदि रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन उनसे माल खरीदता है, यानी हम रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है और हम कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ले रखी है उनसे यदि माल खरीदते हैं तो हमें नुकसान होगा। उसका नुकसान किस तरह से होगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाले जब अपनी सेल डालेंगे GSTR 4 में तो वहाँ पर वो बिल वाइज डिटेल नहीं डालेंगे, उनको सेल का सिर्फ कंसोलिडेट फिगर देना होता है। जब वो बिल वाइज डिटेल नहीं डालेंगे तो उनसे यदि हम माल खरीदते हैं, यानी उनकी जो सेल है वो हमारी परचेज है, तो जब हम उनसे माल खरीदेंगे तो हम ITC के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी कंपोजिशन स्कीम वाले से हमने माल खरीदा और आगे जब हम उसको बेचेंगे तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, और उस लाइबिलिटी को हम क्या करेंगे ITC से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से क्या है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास GST नंबर ही नहीं है, उससे यदि हम माल खरीदते हैं तो वो टैक्स हमें लगा के नहीं देगा। माल जब खरीदे लेकिन जब हम बेचेंगे तो हमें क्या है टैक्स लगा के बेचना पड़ेगा। रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सेल करेंगे उस पर क्या है, जो भी प्रोडक्ट पर वो GST नंबर जब लेंगे, जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उस प्रोडक्ट पर जो भी GST एप्लीकेबल है, मान ली 12% तो 12% डालकर उसको हम आगे बेचेंगे और कलेक्ट करके सरकार को देंगे। तो जब हम कलेक्ट करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद आगे बेचा और हम टैक्स कलेक्ट करेंगे सरकार को दे देंगे, लेकिन हमें ITC नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास तो GST नंबर है ही नहीं है। तो क्या है रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सबसे सूटेबल यही रहता है कि वो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल खरीदे, क्योंकि जब हम रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैं और रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से जब माल खरीदते हैं तो क्या होगा GSTR 1 में जिससे हमने माल खरीदा, जो हमारी क्रेडिटर पार्टी रेगुलर पार्टी है वो GSTR 1 में अपनी सेल की सारी जानकारी देगी बिलवाइज, और हम जब माल बेचेंगे आगे तो माल बेचने के बाद हम टैक्स जो कलेक्ट करेंगे उस माल पर, तो टैक्स कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे GSTR 2 जब फिल करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे ITC के लिए क्लेम करेंगे और उसमें हमारी ITC एडजस्ट हो जाएगी टैक्स लाइबिलिटी से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल खरीदता है। तो यहाँ पर हम रेगुलर के जो रजिस्ट्रेशन है पर रेगुलर डाल दिया और इसको हमने क्या किया यहाँ पर रेगुलर डालेंगे और रेगुलर डाल के एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें GSTN नंबर डालना है उस पार्टी का जिस पार्टी का हम यहाँ पर लेजर्स बनाने जा रहे हैं, तो उसका GSTN नंबर मान लेते हैं कि ये उसका GSTN नंबर है, वो हमने यहाँ पर इस तरह से फिल कर दिया और इस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है गंगा ट्रेडर्स उसका हमने यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर लिया। जितनी भी आपकी क्रेडिटर पार्टियाँ होंगी उनको इस तरह से आप लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, लोकल पार्टी होगी तब भी कर सकते हैं, इंटर स्टेट पार्टी होगी उससे भी माल खरीदते हैं, अपनी स्टेट से बाहर किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो उस पार्टी की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे और उसकी जो स्टेट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और एड्रेस डाल देंगे। अब हम देखते हैं कि हमें और कौन से लेजर्स बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन है जब हम माल परचेज करेंगे, रेगुलर रजिस्टर्ड होलसेलर हैं हम और हम जब माल परचेज करेंगे तो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल परचेज करेंगे, लेकिन बेचने में कोई कंडीशन नहीं है,
रेगुलर रजिस्टर्ड जो होलसेलर है वो माल बेच किसी को भी बेच सकता है, यानी वो कंपोजिशन स्कीम जिन व्यापारियों ने ले रखी है उनको भी बेच सकता है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको भी बेच सकता है, और रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को तो बेचेगा ही बेचेगा। तो यहाँ पर हम लेजर्स किस तरह से तैयार करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दीपक किराना स्टोर है, रेगुलर है, डेटर्स पार्टी है हमारी, इसका लेजर्स किस तरह से बनाएंगे, यानी ग्राहक का लेजर आप किस तरह से बनाएंगे रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन का। तो यहाँ पर हमने नेम में दीपक किराना डाल दिया है, अंडर रखेंगे इसको संडी डेटर्स के क्योंकि ये हमारी ग्राहक पार्टी है। मेंटेन्स बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखेंगे, और यहाँ पर हम दीपक किराना से संबंधित जो भी जानकारी फिल कर देंगे और उसकी स्टेट यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर हम आ जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल बाई प्रेस किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे रजिस्टर्ड टाइप में रेगुलर रखेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया दीपक किराना जो हमारी ग्राहक पार्टी थी उसका हमने जीएसटी यहाँ पर फिल किया, और इस तरह से जितनी भी आपकी डेटर्स पार्टियाँ होंगी रेगुलर उनके इस तरह से हम लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम कंपोजिशन स्कीम वाले को भी बेच सकते हैं, तो यहाँ पर ओम किराना स्टोर है उसको हम कंपोजिशन स्कीम के अंडर है, तो हम उसको यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करें। किस तरह से करेंगे हमने यहाँ पर करके रखा है, आप क्रिएट में जाकर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया ओम किराना स्टोर, आपको जानकारी के लिए आपको दिखाने के लिए कोष्टक में हमने लिख दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया कंपोजिशन, क्योंकि ये इन्होंने कंपोजिशन ले रखी है, अंडर इनको संडी डेटर्स के रखे अंदर ही रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बाई बिल को यस रखना है, और इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम यहाँ पर स्टेट एड्रेस आदि फिल कर देंगे, और हम यहाँ पर आ जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिशन कर दिया है क्योंकि हमारी जो ग्राहक पार्टी इसने कंपोजिशन स्कीम को ले रखी है, और हम कंपोजिशन स्कीम वाले को माल बेच सकते हैं, और माल जब बेचेंगे तो हम टैक्स लगाकर बेचेंगे, और यहाँ पर उसका जो जीएसटीएन नंबर है वो हमने इस तरह से फिल कर दिया। इसी तरह से हम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, संजय किराना के नाम से हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का लेजर्स बनाया है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से मतलब ये होता है कि जिनकी 20 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर है उनको पास जीएसटीएन नहीं होता है, वो जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं जीएसटी में, तो उनका हम किस तरह से लेजर्स बनाएंगे, हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी माल बेच सकते हैं, इनको भी माल बेचेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और सरकार को पे करेंगे। तो यहाँ पर संजय किराना स्टोर है, संजय किराना के नाम से हमने यहाँ पर अनरजिस्टर कर देंगे, जितने भी आपको अनरजिस्टर बनाने इस तरह से बनाएंगे, इनको अंडर संडी डेटर्स के ही रखेंगे क्योंकि ये भी ग्राहक पार्टी है। मेंटेन बैलेंस बाई बिल को यस रखते हुए और इस तरह से इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर ये याद रखना है कि इनके पास जीएसटीएन नंबर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जिस भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहे हैं उसके संबंध में जानकारी रखना है, या तो आधार नंबर उनका लेकर रखना है आपको, या उनका पैन नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो हमने पैन आईडी नंबर जो है उस पर हमने इनका पैन नंबर यहाँ पर डाल दिया है संजय किराना का, जिससे कि जब भी कोई जानकारी देनी होगी तो हम बता देंगे कि हमने जिनको माल बेचा है वो ये हैं, और इसके अलावा सरकार को भी पता चलता रहेगा पैन नंबर से कि 20 लाख से नीचे ये बोल रहे हैं तो वास्तव में इनकी 20 लाख से नीचे वार्षिक टर्नओवर है या नहीं, क्योंकि पैन नंबर लगाकर जब बेचेंगे सरकार जब भी चाहेगी तब उसकी जानकारी ले सकती है कि इनका जो टर्नओवर है वार्षिक वो कितना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया इनका पैन नंबर डाल दिया, आप जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन का लेजर्स बनाएंगे पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से हम बाहर आ गए और इस तरह से अनरजिस्टर्ड पर्सन का लेजर्स यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं फ्रेट चार्ज का जो लेजर है, जब हम माल खरीदते हैं और माल खरीदते समय हम क्या करते हैं, जब हमने माल खरीदा तो फ्रेट चार्ज भी लगता है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेट चार्ज लगे वो प्रोडक्ट की कीमत में ऐड हो जाए, जिससे कि वास्तविक कीमत निकल के आ जाए प्रोडक्ट की कि घर पर हमको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा है। तो फ्रेट चार्ज के नाम से इसको बनाएंगे और इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है, और यहाँ पर अप्रोप्रिएट बाई क्वान्टिटी को यस करते हुए इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल हमने करके रखा है। लेकिन आपके पास जो परचेज का इन्वॉइस आएगा उसमें यदि फ्रेट चार्ज पर जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी लगकर आ रहा है, तो आप यहां पर क्या करेंगे इसको एप्लीकेबल कर देंगे, और इस तरह से हम फ्रेट चार्ज का लेजर्स बना लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे अदर चार्ज का है वो भी लेजर्स हम बना लेंगे, जैसे पैकिंग आदि के जो चार्ज लगते हैं उसको हम इस तरह से बनाएंगे अदर चार्जेस, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे, और हम चाहते हैं प्रोडक्ट में ये भी कीमत इसकी भी ऐड हो जाए तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी कर सकते हैं, वैल्यू चाहे तो वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से जुड़ जाएगा, और क्वांटिटी चाहेंगे तो क्वांटिटी के हिसाब से उसमें ऐड हो जाएगा, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखना है आपको, और इस तरह से हम अदर चार्जेस के नाम से यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से जो जो भी मुख्य लेजर्स थे वो आप इस तरह से क्रिएट करेंगे,
और इन लेजर्स को और विस्तृत से जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे सारे लेजर्स वहां पर किस तरह से बनाए जाते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम यहां से बाहर आते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि स्टॉक आइटम्स प्रोडक्ट जो होते हैं उनके हमें यहाँ पर टेली के अंतर्गत स्टॉक आइटम बनाना होते तभी हम रिकॉर्ड कर पाते उससे संबंधित जो भी जानकारी है। तो इसके लिए हम जाते हैं कहाँ पर, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे स्टॉक आइटम में और यहाँ से आपको क्रिएट करना है। आप क्रिएट में जाएंगे, हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं, आपको दिखाना है तो हम आपको अल्टर में लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने गरी, लॉन्ग और शुगर तीन स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं और साथ में दिखाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 18%, 12%, 5% डाल दिया है। जो भी इस पर रेट होगी वो आप डाल देंगे। जो भी आप स्टॉक आइटम बनाएंगे उस पर जो भी जीएसटी है उसको आप जब लेजर्स बनाएंगे वहाँ पर फिल कर देंगे। हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ ऊपर ही शो कर दिया है। अब हम एक स्टॉक आइटम आपको दिखाते हैं, उसी तरह से आपके जितने भी स्टॉक आइटम होंगे वो आप बना लेंगे। यहाँ पर क्या है कि हम आपको दिखाते हैं शुगर स्टॉक आइटम जो हमने बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर नेम में हमने शुगर डाल दिया और आपको दिखाने के लिए एट द रेट 5% डाल दिया, यानी इस पर 5% इंटीग्रेटेड टैक्स है ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अंडर रखेंगे प्राइमरी के, यूनिट है केजीएस, किलोग्राम्स में हम बेचेंगे और यहाँ पर स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में हम इसको जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इस पर 5% टैक्स का हम लेजर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम आ गया है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन कोई डालना हो वो डाल सकते हैं और शुगर स्टॉक आइटम जो बनाने जा रहे हैं उस पर एचएसएन कोड है उसको फिल कर देंगे और यहाँ पर नो रखना है, ऑन वैल्यू रखना है और यहाँ पर टैक्सेबल टैक्सेबिलिटी में इसको टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 5% हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इस तरह से आप जितने भी स्टॉक आइटम है और उन स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स होगा इंटीग्रेटेड उसको हम इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से जितने भी लेजर्स बनाने हैं आप उस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड रखा है। इस तरह से लेजर्स आप इस तरह से जो है स्टॉक आइटम्स वो आपको क्रिएट करने हैं। अब हम चलते हैं बाउचर एंट्री पर। यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे जो कंपनी है वो क्या करती है, माल को खरीदती है और होलसेल में उसको बेचती है। तो बेचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ परचेज करें, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है डेट हमेशा सेट करना है। जो भी डेट आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 जुलाई कर रखा है, 1 जुलाई से पहले की डेट आप सेट नहीं करेंगे। यदि 1 जुलाई से पहले की डेट आप सेट करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स लेजर्स लगाएंगे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो 1 जुलाई में हम क्या करते हैं परचेज करके देखते हैं। हमने जो परचेज की है हमें इनवॉइस मिला है और उस इनवॉइस का नंबर है 425, वो हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। और पार्टी कौन सी है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से हमने पार्टी बनाई थी वो यहाँ पर आ गई और उससे संबंधित जो भी जानकारी हमने लेजर्स बनाते समय फिल की थी वो यहाँ पर आ गई। ये लोकल की पार्टी है, हमारी जो अरिहंत ट्रेडर्स है वो भी एमपी में है और जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो भी एमपी में। यहाँ पर परचेज लेजर में हमने परचेज लेजर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर हमें करना है परचेज टैक्सेबल क्योंकि ये एक ही स्टेट का मामला है, यानी हमारी जो कंपनी है वो भी एमपी में है और जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो भी एमपी में है। तो परचेज टैक्सेबल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो स्टॉक आइटम हमने खरीदे हैं उनकी यहाँ पर एंट्री करते जाते हैं। 300 किलोग्राम हमने खरीदा है क्या शुगर 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से और इसके बाद हम खरीदते हैं लॉन्ग स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर खरीदा और इसको हम खरीदते हैं 250 क्वांटिटी में खरीदते हैं 200 रुपये पर केजी के हिसाब से। और गरी हमारा तीसरा स्टॉक आइटम था जिस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है इंटीग्रेटेड टैक्स, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको हम खरीदते हैं 200 की क्वांटिटी में 120 रुपये पर क्वान्टिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने ये किया, अब हम लगाएंगे CGST, SGST और यहाँ पर फ्रेट चार्ज जो भाड़ा लगाया है वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं 300 और 2 500 700 750 किलोग्राम माल आया है और इस पर 750 रुपये फ्रेट चार्ज लग गया, हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया। और इस तरह से हम एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर बिलवाइज डिटेल हमने यस कर रखी है, तो इस तरह से बिलवाइज डिटेल भी यहाँ पर आ रही है और इसको इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया अब हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम जाएँगे डिस्प्ले में, फिर हम जाएँगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से जाएँगे परचेज लेजर में। तो यहाँ पर देखिए जुलाई में जो भी परचेज की थी वो यहाँ पर शो हो रही है और हमने जो स्टॉक आइटम थे खरीदे हैं उनको दिखाते हैं कहाँ देखेंगे। इसके लिए हम जाएंगे स्टॉक समरी में। ये देखिए स्टॉक समरी में हमने जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी जो यस किया था उसका अफेक्ट ये हुआ कि 750 केजी जो हमने माल खरीदा था तो उसका फायदा ये हुआ है कि 1-1 रुपया जो टैक्स था जो हमने दिया था वो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट हो गया है। इसमें हम एक काम करते हैं कि इससे पहले की हमारी एक एंट्री है हम उसको क्या करते हैं डिलीट करते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से
अब हम जाके देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक एंट्री हमने यहाँ पर कर रखी थी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम में जाएंगे और स्टॉक आइटम में हम देखेंगे तो हमने 300 और दो 500 700 750 किलोग्राम जो माल खरीदा था और उस पर 750 रुपये भाड़ा लगा था, फ्रेट चार्ज लगा था, वो यहाँ पर देखिए एक एक रुपये हर में जो भी आइटम थे किलोग्राम के हिसाब से थे उनमें एक एक रुपया यहाँ पर ऐड हो गया। यानी अप्रोप्रिएट वाई क्वांटिटी को हमने यस किया था, तो जो भी हमारा भाड़ा लगा था, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा था, फ्रेट चार्ज लगा था, वो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की कीमत में शामिल हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जब भी हम देखेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक आइटम घर पर हमको कितने को पड़ा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर हम आ गए। अब हम सेल करते हैं तो F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेल्स वाउचर इस तरह से खुलकर आ जाएगा। F2 प्रेस करते हैं, 2 जुलाई यहाँ पर हमने तारीख कर दी। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक नंबर का इन्वॉइस है, हम देते हैं अपनी ग्राहक पार्टी को। सबसे पहले हमारे जो 3 लिस्ट हमने ग्राहक पार्टी के बनाए थे, डेटर्स के बनाए थे, एक रेगुलर का है और एक बनाया था हमने कंपोजिशन का और एक बनाया था अनरजिस्टर्ड का। सबसे पहले हम दीपक राणा जो हमारी रेगुलर पार्टी है उसको हम माल बेचते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लेजर क्रिएट किया था संबंध में जारी जानकारी आ गई, ये भी हमारी लोकल की पार्टी है। यहाँ पर सेल्स लेजर करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल्स कैसी है, तो ये क्या है, सेल्स टैक्सेबल है। तो यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है हम उसको बेच रहे हैं उसकी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम है, इसको हम क्या करते हैं 150 की क्वांटिटी में बेचते हैं और इसको बेचते हैं 71 रुपीज़ में। हम 30 रुपये पर केजीस पर हम मुनाफा लेके चलेंगे हर चीज़ पर। ये हमें 41 की पड़ी थी तो हम इसको कितने की बेचते हैं 71 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। इसके बाद दूसरा स्टॉक आइटम हमारा लॉन्ग है और लॉन्ग को हम कितने बेचते हैं, इसको हम 100 की क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी में बेचते हैं और इसको बेचते हैं 231 में हमें पड़ा था। तो हम 30 रुपये पर उस पर मुनाफा लेके चल रहे हैं, जिससे कि आगे हम आपको बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इसके बाद हमारा तीसरा स्टॉक आइटम है गरी, उसको भी हम बेचते हैं, इसको बेचते हैं 50 की क्वांटिटी में और इसकी कीमत रखते हैं 151। अब यहाँ पर लोकल स्टेट का मामला है, CGST लगाते हैं, SGST लगाते हैं और इसको इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या था, हमारी जो रेगुलर पार्टी थी, ग्राहक पार्टी थी, उसको हमने बेचा। अब हम बेचते हैं कंपोजिशन वाले को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर का बिल हमने इनको दिया और यहाँ पर जो कंपोजिशन का हमने डेटर्स पार्टी बनाई थी ओम किराना के हिसाब से, उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और ओम किराना के संबंध में ये सारी जानकारी आ गई। ये भी हमारी लोकल स्टेट की पार्टी है। सेल्स लेजर लगाया और यहाँ पर हम बताएंगे सेल्स टैक्सेबल, तो सेल्स टैक्सेबल सेट किया हमने टैक्स क्लासिफिकेशन में और यहाँ पर इनको भी हम माल बेचते हैं, बेच सकते हैं कंपोजिशन वाले को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम बेचते हैं 100 की क्वांटिटी में शुगर 71 के हिसाब से और फिर हम इनको बेचते हैं लॉन्ग, लॉन्ग बेचते हैं हम 80 क्वांटिटी में और फिर इसके बाद हम बेचते हैं इनको गरी और गरी जो हमारा स्टॉक आइटम है वो हम इनको बेचते हैं 100 की क्वांटिटी में। इस तरह से हम क्या करेंगे, CGST लगाएंगे, SGST लगाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ले रखी है उनको भी हमने माल सेल किया। अब हम तीसरी एंट्री करते हैं, 3 नंबर इनवॉइस देते हैं इनको और यहाँ पर अब हम बेचते हैं संजय कराना जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसकी, जो हमने लेस बनाया था उसको भी हम बेच सकते हैं माल। तो यहाँ पर उससे संबंधित डिटेल आ गई, ये भी इंटरस्टेट का मामला है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल कैसी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि सेल्स टैक्सेबल है क्योंकि लोकल स्टेट में ही हम माल बेच रहे हैं और यहाँ पर हम जो भी स्टॉक आइटम बेच रहे हैं उसकी भी यहाँ पर एंट्री करते हैं। इनको हम बेचते हैं 45 क्वांटिटी में शुगर और लॉन्ग बेचते हैं इनको हम 68 की क्वांटिटी में और तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम था उसको भी हम इनको बेचते हैं 48 क्वांटिटी में। अब हम CGST लगाएंगे, SGST लगाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह से हम इनको, अभी हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं अमाउंट को, आप चाहें तो आगे राउंड ऑफ लेजर्स बना लेंगे और उससे राउंड ऑफ लेजर्स बनाएंगे और राउंड ऑफ लेजर्स जब बनाएंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रख देंगे और एप्लीकेबल GST जो है उसको हम नॉट एप्लीकेबल करके एक लेजर्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड ऑफ लेजर्स भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों ही पार्टियों को सेल कर दी, यानी हमने रेगुलर पर्सन को भी बेच दिया और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बेचा और कंपोजिशन को भी बेचा। अब हम देखते हैं कि इसका अफेक्ट क्या पड़ा है। तो सबसे इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे। अब हम आपको GSTR रिपोर्ट दिखाते हैं, डिस्प्ले में गए और यहाँ से हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, फिर हम जाएंगे GST में और
और यहाँ पर जो भी परचेज हमने किए वो परचेज कहाँ देखिएगी, GSTR2 में। तो यहाँ पर हम GSTR2 में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में हमने जो परचेज की है वो यहाँ पर शो हो रही है। B2B इनवॉइस यानी हमने बिजनेस टू बिजनेस माल खरीदा। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है कि हमने जो GST में रजिस्टर्ड व्यापारी है उसी से हमने माल खरीदा, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से हमने माल खरीदा है। उसकी टैक्सेबल वैल्यू 86,000 रुपये का, हमने 86,000 का हमने माल यहाँ पर खरीदा था, और सेंट्रल टैक्स हमने दिया है 5,460 रुपये, और इतना ही हमने स्टेट टैक्स दिया है, और टोटल टैक्स अमाउंट ये आ गया यहाँ पर। इनवॉइस वैल्यू इस तरह से यहाँ पर आ रही है। तो जो भी हम परचेज करेंगे उसको हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली में खड़े होकर DOG2 डॉक 2 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमने परचेज किया पीरियड के अंतर्गत वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद अब हम चलते हैं GSTR1 में, हमने जो भी सेल की है वो हमारी GSTR1 में दिखेगी। तो ये देखिए GSTR1 में यहाँ पर हमने 3 वाउचर्स इस्तेमाल किए थे, यानी 3 हमने सेल की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 2 सेल हमारी B2B इनवॉइस में हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक तो हमने रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा था जिसके पास GSTN है तो उसकी भी सेल यहाँ पर शो हो रही है, और दूसरा हमने किसको बेचा था, कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ले रखी है उनके पास भी GST रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो दोनों B2B इनवॉइस के अंतर्गत आएंगे। इस टेबल के अंतर्गत ये दिख रही है दोनों वाउचर एंट्री जो हमने की थी। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर जो हमने माल बेचा था इन दो लोगों को, तो 81,980 रुपये का माल बेचा था, और इनसे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया था, टैक्स लगाया था, वो यहाँ पर 4,977 रुपये 5 पैसे सेंट्रल टैक्स और इतना ही स्टेट टैक्स यहाँ पर शो हो रहा है, और इन दोनों को मिला के जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था उसको जो माल बेचा था वो यहाँ पर B2C स्मॉल जो टेबल है उसमें आपको शो हो रहा है। एक वाउचर हमने इस्तेमाल किया था, अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा था, टैक्सेबल वैल्यू जो हमने माल उसको बेचा था उसकी टैक्सेबल वैल्यू ये थी, और इसके बाद जो हमने टैक्स कलेक्ट किया था वो यहाँ पर CGST SGST कॉलम में दिख रहा है, और टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया वो यहाँ पर आ रहा है। और नीचे हम देखेंगे तो टोटल 3 वाउचर हमने इस्तेमाल किए, 3 सेल की, और तीनों जो हमने वाउचर इस्तेमाल किए थे जो सेल की थी उसका 1,08,131 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, और तीनों ही टैक्स जो हमने सेल की थी उस पर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया, जो टैक्स लगाया था सामने वाली पार्टी पर, वो 6,651 रुपये 73 पैसे CGST और इतना ही SGST है, और टोटल जो टैक्स अमाउंट है जो हमने कलेक्ट किया है जो हमने ग्राहक पार्टी पर लगाया था वो 13,303 रुपये 46 पैसे यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे, GSTR3B में जाएंगे, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि आउटवर्ड सप्लाईज यानी जो भी हमने माल बेचा था उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ रहा है। टोटल जो हमने टैक्स कलेक्ट किया था वो यहाँ पर इस तरह से 13,303 रुपये 46 पैसे आ रहा है। और नीचे जब हम देखेंगे तो परचेज, जब भी हम परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स दे के आते हैं वो ITC होती है हमारी, उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, परचेज जब किया था तो परचेज पर हमने 10,920 रुपये टैक्स दिया था, और कलेक्ट कितना किया, 13,306 रुपये 46 पैसे। तो 13,303 रुपये 46 पैसे में से 10,920 रुपये के हमें ITC मिलेगी, इसको हम माइनस कर देंगे। इसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी बचेगी, यानी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है और हमारी ITC कम है, तो टैक्स लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, ITC को माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारी टैक्स लायबिलिटी जो भी हम पर शेष निकलेगी उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इस तरह से हम सेल और परचेस यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब हम क्या करेंगे, जिससे माल खरीदा है तो यहाँ पर हम वो भी करके दिखाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हमने जिनसे माल खरीदा था उनको हम पेमेंट भी करेंगे, और जिनको हमने माल बेचा था वो हमें जब पैसा वापस करेंगे तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर करेंगे। तो मान के चलते हैं कि हम X6 प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम रिसीप्ट करते हैं, हमें कैश में रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट किया, और किससे हम रिसीव कर रहे हैं, हमारा दीपक किराना जो है जिसको कि हमने माल बेचा था, डेटर्स पार्टी थी उसको हमने माल बेचा था, और उस पर 45,963 रुपये 50 पैसे हमारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनसे 45,963 रुपये 50 पैसे इन्होंने हमें पेमेंट किया है, तो वो हम यहाँ पर इनसे ले लेते हैं। और किस बिल के अगेंस्ट किया है, तो इनका जो बिल था उसके अगेंस्ट किया है, और आप देखिए यहाँ पर इनके ऊपर हमारा जो बैलेंस है वो शून्य हो गया है, और हमारे कैश अकाउंट में 45,963 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से जो भी रिसीप हमें होगी उसको हम यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, रिसीव हमने कर लिया, हम पेमेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पर आ गया। किससे करना है पेमेंट, कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश सिलेक्ट कर दें, किसको कर रहे हैं उस पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, गंगा ट्रेडर्स पार्टी, इनका 97,670 रुपये हमारे ऊपर निकल रहा है, तो इनको क्या करते हैं, 20,000 रुपये हम इनको यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। 20,000 रुपये पेमेंट किया,
और यहाँ पर किस बिल के अगेंस्ट किया, वो यहाँ पर आ गया। अब इनका हमारे ऊपर 77,670 रुपये रह गया है, 20,000 हमने इनको पेमेंट कर दिया है, और कैश जो आता था कैश में से हमारे ये 20,000 रुपये कम हो गया, 25,963 रुपये 50 पैसे रह गए। इस तरह से हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री कर लेंगे, और जब भी कैश में रिसीव किया हमने कैश में पेमेंट किया, जब भी हम बैंक से पेमेंट करेंगे, चेक से चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे तो चेक की भी यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर अकाउंट है, अकाउंट में हम क्या करेंगे, कैश की जगह जो भी बैंक लेजर्स बनाएंगे उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सामने वाली पार्टी को यहाँ पर रख देंगे। जब हम रिसीप्ट करेंगे तो बैंक में जब रिसीव करेंगे चेक के द्वारा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कर लेंगे रिसीप्ट के लिए, और यहाँ पर सामने जो हमारी डेटर्स पार्टी है उसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, पेमेंट और रिसीव करेंगे, उसकी भी यहाँ पर एंट्री करते हैं। चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको कि बैलेंस शीट में जब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको रेटियो एनालिसिस दिखाते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेटियो एनालिसिस में जाएंगे, और रेटियो एनालिसिस रिपोर्ट में जब हम आए तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट हमें कितना दिख रहा है, 22,230 रुपये, क्योंकि हमने जो भी प्रॉफिट की थी, माल बेचा था तो माल प्रॉफिट लेके बेचा था, तो वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। और यहाँ पर आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सन्डी डेटर्स पार्टी जो हैं, सारी सन्डी डेटर्स पार्टियाँ हैं, उनसे हमें कितना माल कितना पैसा लेना है, तो 75,470 रुपये 96 पैसे हमें इनसे लेना है। और जो डेटर्स क्रेडिटर पार्टी है, तो क्रेडिटर पार्टी जो गंगा ट्रेडर्स थी, 77,670 रुपये इनको हमें पेमेंट करना है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। और इस तरह से सेल्स अकाउंट हमारा कितने से डीआर हुआ है, वो यहाँ पर है परचेज अकाउंट में, वो सेल्स अकाउंट कितने से सीआर हुआ है, सेल्स अकाउंट सीआर होगा तो सेल्स अकाउंट 108,131 रुपए से सीआर हुआ है, और जो परचेज की थी हमने वो परचेज यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से सारी रिपोर्ट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हम गए तो यहाँ पर हमें देखिए करेंट लाइबिलिटी दिख रही है, और करेंट लाइबिलिटी में जब हम देख रहे हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें 2,383 रुपये 46 पैसे गवर्नमेंट को पे करने हैं, यानी हमारी टैक्स लाइबिलिटी, जब मैंने आपको जीएसटीआर 3B में बताया था कि वहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, एलिजिबल आईटीसी थी और टैक्स लाइबिलिटी थी, तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा थी, एलिजिबल आईटीसी कम थी, तो वहाँ पर क्या है 2,383 रुपये 46 पैसे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी है। तो आइए इसको भी पे करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम खोल लेते हैं इस तरह से इसको, यहाँ पेमेंट वाउचर खोलेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पेमेंट करने जा रहे हैं, किसका पेमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जुलाई माह का है तो इसको हम अगस्त के महीने में करेंगे, तो F2 प्रेस करके हम यहाँ पर 1/8 कर लेते हैं, 1 अगस्त में हम पेमेंट करने जा रहे हैं। अब किससे पेमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें यहाँ पर एक कार्य करना है, साइड में जब आप देखेंगे बटन बार है तो यहाँ पर स्टेट पेमेंट आपको दिख रहा है, एस है और एस के नीचे एक लाइन है और उस पर लिखा है स्टेट पेमेंट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, या हम क्या करेंगे अल्ट के साथ एस प्रेस कर देंगे, इस पर माउस क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है जीएसटी, यहाँ पर करना है पीरियड करना है, किस पीरियड का आप कर रहे हैं, तो हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का पेमेंट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर पेमेंट टाइप क्या है, रेगुलर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया स्टेटरी पेमेंट फॉर जीएसटी, पेमेंट टाइप रेगुलर। अब यहाँ पर हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, किससे पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैश सेलेक्ट कर देंगे। अब किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्या हमें पेमेंट करना है, सीजीएसटी कितनी निकल रही है, 1,191 रुपये 73 पैसे 11.91.73, यानी क्या है कि जो हमें पेमेंट करना है तो उसका भी हमें हिसाब रखना होगा। जीएसटी जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें ये भी हिसाब रखना पड़ेगा कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा कम होगा, और हमारा ये सीजीएसटी एसजीएसटी को जब पे करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो यहाँ पर हमें इस तरह से एंट्री करना होगी। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको पेमेंट कर दिया। अब देखिए जब हमने पेमेंट किया तो सीजीएसटी हमारा शून्य हो गया, इस तरह से हमने क्या किया सीजीएसटी को यहाँ पर पेमेंट कर दिया, और यहीं पर हम चाहें तो एसजीएसटी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सीजीएसटी के बाद हमने एसजीएसटी किया, ये भी कितना निकल रहा है 11.91.73। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही हमने पेमेंट करते हैं, इस तरह से क्या करेंगे हम पेमेंट जो करेंगे उसकी भी एंट्री कर लेंगे। अब हम जब बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में जब गए यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में आएंगे, करंट लाइबिलिटी 77,670 रुपये दिख रही है। अब देखिए यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ से जो हम पे निकल रहा था वो यहाँ से हट गया, क्यों, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो भी अमाउंट था उसको हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से हम पेमेंट का भी हिसाब इसके अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से हमने ये सारे कार्य किए,
आज का जो विषय था उस विषय के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। इससे क्या होगा, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। टेली में जीएसटी रेगुलर होलसेलर की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे हमने आपको ये बताया, किस तरह से लीजस बनाएंगे, किस तरह से स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, किस तरह से परचेज की एंट्री करेंगे, किस तरह से सेल की एंट्री करेंगे, और ये भी बताया हम किससे परचेज कर सकते हैं, सेल किसको कर सकते हैं, सेल में कोई कंडीशन नहीं, हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको पार्टी वाइज सेल करके दिखाई, पार्टी वाइज परचेज करके दिखाई। यदि आप कैश परचेज कैश सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो हमारी है इसमें, तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो दोस्तों इससे पहले भी वीडियो मैंने डाली, उसमें रेगुलर होलसेलर की जगह मैंने रेगुलर रिटेलर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये बताया है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको पूरी तरह से विषय को एक्सप्लेन कर दिया है। आप यदि कार्य करेंगे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों जरूरी है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एक कार्य और करें कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप मेरे चैनल से सीधे जुड़ जाएंगे, आपको बार बार मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप वहीं पर मेरा ईगल टाइप लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। टेली में दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सरलता के साथ और विषय को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।